देखें एक सवाल आपने कर लिया है ना और आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो समझ ले सेवेंटी एटी परसेंट यही काम बार बार आगे रिपीट होना है। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों क्या हाल है जी आपके सब ठीक ठाक हैं लो जी बच्चों अभी हम करने लगे हैं फाइव पॉइंट थ्री एक्सरसाइज और यहाँ पे एक टर्म आया करेगी जिसको हम कहते हैं नॉन रिपीटेड इिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर ये देखें ये आपके सामने एग्जांपल है एक्स का स्केयर प्लस वन ये है नॉन रिपीटेड नॉन रिपीटेड ये कि इसके ऊपर कोई पावर नहीं बनी हुई वन टू थ्री कोई पावर नहीं है होल पावर नहीं है होल पावर यही होती है ना वो चीज़ रिपीट होती है मतलब अब जैसे सेवन है ना सेवन की पावर थ्री का मतलब क्या है कि सात जो है वो तीन दफा है साथ रिपीट हो रहा है ठीक है ना तो इसके ऊपर चूंकि होल पावर नहीं है तो इसे नॉन रिपीटेड कहते हैं इर रिड्यूसेबल का मतलब क्या है कि ये इसको और छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता रिड्यूस नहीं हो सकती सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं जा सकती लीनियर फॉर्म में नहीं जा सकती ऐसे आप कह सकते हैं ठीक है थीके? इसके ऊपर कोई फार्मूला नहीं लगा सकते और क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक जाहिर है कि एक्स के ऊपर दो पावर आ रही है तो कहते हैं जब ये वाला केस आए तो उसकी जो हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं वो किस तरह से करेंगे तो उसके लिए हमारे पास ये एक रूल है कि जब इसको हम कुछ और कर नहीं पाते इस तरह के फैक्टर को तो उसके लिए फिर हम ये टर्म लगाते हैं एक्स प्लस बी ठीक है जी तो ये इसमें नई चीज़ आएगी बाकी सारा काम पीछे जैसे सवाल किए हैं वैसे ही होता जाएगा यहाँ पर सवाल थोड़े बड़े हैं ठीक है लेकिन स्टेप्स देखें वही होंगे सारे जो पहले भी कर रहे हैं या सिंपल होंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई इधर से उठाएं उधर ले जाएं एंड सो so तो चलें जी एक्सरसाइज शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन देख लें नाइन एक्स माइनस सेवन है ऊपर और नीचे दो फैक्टर्स हैं आपके पास एक्स केयर प्लस वन एंड एक्स प्लस थ्री अब देखें एक फैक्टर तो ये लीनियर फॉर्म में है इसके ऊपर आप सिंपल ए बी सी कोई भी आप लिख सकते हैं लेकिन ये चूंकि क्वाड्रेटिक है और और फर्दर हल भी नहीं हो सकता तो इसका फिर बनेगा ए एक्स प्लस बी सो देखें जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं ये अमाउंट सारी लिखी और ये जो नीचे वाले फैक्टर्स हैं पहले चूंकि ये क्वाड्रेटिक वाला है तो उसके लिए हम उसके ऊपर ए एक्स प्लस बी लिखेंगे नीचे वो वाला फैक्टर लिख दिया फिर दूसरा फैक्टर हमारा एक्स प्लस थ्री है तो उसके ऊपर सी क्योंकि इधर ए और बी तो आ गया हुआ है ना तो अब सी ने आना है तो सी ओवर एक्स प्लस थ्री तो ऐसे करके हमारा ये पार्ट बन जाएगा अगला पार्ट अब आपको पता है कि नीचे से हमें ये चीज़ें खत्म करानी है तो जाहिर है इधर से ये खत्म हो गई और चूंकि ये दो ही रकमें हैं तो इस अमाउंट ने इधर आ जाना है इनके पास इस अमाउंट ने इधर आ जाना है इनके पास तो x प्लस थ्री इनके पास आएगा और एक्स स्केयर प्लस वन इस c के पास चला जाएगा ओके अब एक स्टेप यहाँ हर दफा हर सवाल में ये होगा कि देखें a के साथ ये x है तो आप a को अलहदा कर लें b को अलहदा कर लें क्योंकि उससे फिर हल करना आसान हो जाएगा ए एक के साथ एक्स है ना तो ये एक्स इन दोनों से ज़रब होगा एक्स और एक्स एक्स का स्केयर और एक्स ने जब थ्री के पास जाना है तो थ्री एक्स इसी तरह बी के साथ चूँकि और कोई चीज़ नहीं है तो बी के साथ ये ऐसे ही लिख देंगे उसे और सी भी इसी तरह से तो अब देखें ए बी सी अलीहद अलहदा हो गया अब इसको हल करना आसान होगा अब पहला पार्ट तो वही है कि हमें ये देखना है कि कोई चीज़ लेट हो सके कोई वैल्यू आ सके एक्स की तो यहाँ ये है हमारे पास एक्स प्लस थ्री हमने क्या करना है जी एक्स प्लस थ्री को जीरो के इक्वल रख लिया थ्री उधर गया तो माइनस का तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस थ्री ये हमने पुट कराना है इन ऊपर वाली इक्वेशंस में और पत, आप किसी एक ए बी सी वगैरह का हमें आंसर निकालना है और ये मैंने आपको पहले भी बताया चूँकि x प्लस थ्री से ये वैल्यू ली है तो जहां x प्लस थ्री आ रहा है ना वहां ये वैल्यू पुट नहीं हो सकती उसके अलावा में हो सकती है क्योंकि इधर उन्होंने ज़ीरो हो जाना है ऑटोमेटिकली तो इधर हम लगाते ही नहीं है तो यहां लगाएंगे माइनस थ्री और यहां लगाएंगे माइनस थ्री तो देखें हम उसको वैल्यूज को लिखने हैं और उसको हम फिर सॉल्व करवाएंगे सी वाला पार्ट जाहिर है ये हो रहा है तो इसे हल करते हैं नाइन थ्री ज़र ट्वेंटी सेवन है फिर ये थ्री का स्केयर नाइन नाइन और वन टेन टेन ने जाके उसे डिवाइड कराना है और ये जाहिर है आपके सामने माइनस सेवनटीन ओवर फाइव मिल जाएगा c की वैल्यू हमें मिल गई अब हमारे पास a और b रहता है अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पुट करवाने के लिए अब और कोई वैल्यू नहीं है यहां से वैल्यू नहीं निकल सकती ठीक है तो इधर से ही वैल्यू निकलनी थी वो हमने लगा लिया है तो फिर अब जो काम होता है कि इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कराया जाता है मसल आप देखें सबसे बड़ा एक्स कौन सा है एक्स केयर तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग क्वेफिशंट्स ऑफ एक्स केयर एक्स केयर के जो क्विशियंट्स हैं उनको कंपेयर करने लगे हैं मसलन इधर है एक्स केयर नहीं है इधर हम आ रहा आ जाएगा जीरो इधर एक्स केयर है उसका ए आ गया b के पास कोई एक्स केयर नहीं है तो b नहीं आ सकता एक्स केयर यहां है तो c मतलब जीरो इज इक्वल टू ए प्लस सी ये एक रिलेशन बन जाएगा सो so ये देखें ये वही मैंने स्टेप बनाया कंपेयरिंग ऑफ कम्पेयरिंग टू जीरो जैसे मैंने अभी आपको पीछे चेक करवाया अब चूंकि c हम फाइंड कर चुके हैं c की वैल्यू लगा दें और इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ए की वैल्यू भी देखें निकल आई बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप एक्स को भी कंपेयर करवा सकते हैं या कॉन्स्टेंट टर्म को भी करा सकते हैं एक दफा देख लें कि ये कैसे कंपेयर होता है एक्स क्या हमने अब चेक करना है ना तो देखें यहाँ एक्स के साथ नाइन है तो नाइन आएगा इधर से एक्स के साथ थ्री है थ्री ए इधर एक्स के साथ वन है खाली बी और यहाँ पे एक्स नहीं है मतलब क्या होगा नाइन इक्वल टू थ्री ए प्लस बी तो देखें हमने यही चीज आगे लिखी होगी ये देखें वही चीज़ है यहाँ फिर ए की वैल्यू लगाएं सेवनटीन ओवर फाइव जो हमने कैलकुलेट कर लिया है और फिर इसको उठा के ज़ाहिर उधर लेके जाना होगा बी को अकेला करेंगे तो ये उधर जाके माइनस होनी है सेवनटीन थ्री ज़ार फिफ़्टी वन और फिर ज़ाहिर है फ़ाइव के साथ इसका एलसीएम फ़ाइव नाइन ज़ार फोटी फ़ाइव फोटी फ़ाइव में से फिफ्टी फाइव निकाल दें और ये और ज़ाहिर है कि ये आप चीज़ें कैलकुलेटर पर कर सकते हैं अगर ज़ुबानी ना आपको आती हो तो तो चूँकि तीनों वैल्यूज़ अब आ गई तो जस्ट आपने ऊपर इक्वेशन के अंदर पुट कराना है जहाँ पे ए बी सी मौजूद है ए की जगह ए बी की जगह बी सी की जगह सी ऐसे करके लिख दें अब चूँकि ये वैल्यूज़ ओवर में हैं तो इसका तरीका या टोटका क्या होता है कि जो ओवर में चूंकि सेम सेम है ना ये भी फाइव है ये भी फाइव है तो इसको नीचे ले जाएँ फाइव को तो ऊपर क्या रह सेवनटीन एक्स माइनस सिक्स वो लिख लें इसी तरह इसका भी फाइव ओवर में ले जाएं और माइनस यहाँ लिख दें तो ऐसे करके अब आंसर प्रॉपर इस शक्ल में आ जाएगा चलें जी क्वेश्चन नंबर टू करते हैं अब देखें एक सवाल आपने कर लिया है ना और आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो समझ लें सेवेंटी एट्टी परसेंट यही काम बार बार आगे रिपीट होना है बिल्कुल सेम पैटर्न पे कहीं हल्का फुल्का चेंज आना है सो so, देखें क्वेश्चन नंबर टू ये अमाउंट है हमारे पास उसको लिखा ये पहले एक्स केयर वाली है तो उसी तरह ए एक्स प्लस बी ओवर में ये और ये चूंकि लीनियर है तो सी ओवर ये ठीक हो गया अब आगे वही ओवर को हमने खत्म कराना है तो इसका ओवर तो चला गया वन आ गया ये वाली अमाउंट इसके साथ ये वाली अमाउंट इसके साथ ये देखें वही स्टेप्स हो रहे हैं ना पिछले सवाल वाले तो साथ साथ आ गए फिर उसी तरह ए को अकेला करें एक्स एक्स जार एक्स केयर एक्स वन जार एक्स और फिर बी के साथ ये सारा वो आ गया सी ऐसे ही अब फिर यहाँ पे जब बना लें तो आप देखें कि कोई चीज़ हम लेट करवा सकते हैं तो ये है हमारे पास लीनियर वाला जहीं से एक्स निकल सकता है तो एक्स प्लस वन को ज़ीरो के इक्वल रखें एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस वन अब ये पुट करानी है और पुट कराने के लिए फिर वही सिचुएशन है कि आपका माइनस वन जो है वहाँ पुट होगा जहाँ एक्स प्लस वन नहीं है क्योंकि एक्स प्लस वन से तो लिया उसे तो इस वाले पार्ट को छोड़ के सिर्फ इसमें पुट होगा सी वाले में सो तो देखें हमने सी वाले में एक्स की जगह माइनस वन लगा दिया इसको हल करें आपके सामने टू जाके डिवाइड करेगा सी की वैल्यू वन ओवर टू आ जाएगी अब चूंकि और वैल्यू हमारे पास नहीं है तो फिर हम वो कंपैरिजन की तरफ ही जाएंगे तो सबसे बड़ी जो हमारे पास टर्म है वो एक्स का स्केयर है तो एक्स स्केयर को कंपेयर कर लें इधर से ज़ीरो ए प्लस सी क्योंकि यहाँ पर भी एक्सकेयर है तो ए प्लस सी इज़ इक्ल टू तो ज़ीरो वह हमने लिख लिया लेकिन सी की वैल्यू वन ओवर टू आई भी है तो उठ के उधर जाएगी तो माइनस वन ओवर टू तो ए का आंसर भी आ गया अब उसी तरह हमने एक्स को कंपेयर करवा लेना है तो एक्स में देखें यहाँ नहीं है ना तो यहाँ जीरो ये ए ए आ रहा है उसका एक्स है ठीक है तो ए प्लस यहाँ से बी और सी नहीं है तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो ये हमारा एक्स कंपेयर हो जाएगा सो तो देखें एक्स को हम कंपेयर करवा रहे हैं यही मैंने कहा ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो ए की वैल्यू लग गई माइनस की है उधर जाके प्लस की तो बी की वैल्यू भी आ गई सो so अगेन तीनों वैल्यूज़ को पुट करवा दें ऐसे 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 लगा ली क्योंकि सबके नीचे ओवर में टू है तो वो टू उनके नीचे ले जाए तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये भी हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं यहाँ पे देखें क्या चीज़ है जी रकम लिखी हुई है थ्री एक्स प्लस सेवन और नीचे है एक्स केयर प्लस फोर और एक्स प्लस थ्री बिल्कुल उसी तरह की रकम है यहाँ पे ये यह क्वाड्रेटिक है ये लीनियर फॉर्म है तो वैसे ही हम रख के और इस अमाउंट के लिए एक्स प्लस बी और इसके लिए सी लिख लेंगे बाकी वही है ये ख़त्म होना है एक्स प्लस थ्री ने इसके पास आना है एक्स केयर प्लस फोर ने इसके पास चले जाना है तो ये हमारा अगला स्टेप जो है ये बनेगा ये देखें ये बन गया और उसी तरह एक्स को अकेला करें और इस एक्स के साथ इसे मल्टीप्लाई एक्स केयर हो गया और एक्स और थ्री थ्री एक्स बी को लैदा कर दें और साथ ये सी लैदा कर दें अब देखें ये प्रॉपर शेप बन गई और लेट करने के लिए यहाँ भी एक ही रकम है हमारे पास एक्स प्लस थ्री उसको ज़ीरो रखेंगे और वैल्यू हमारी एक्स की माइनस थ्री आ जाएगी ये पुट होनी है तो पुट हो के फिर सी वाले पार्ट में ही होनी है क्योंकि दूसरे पार्ट में वो जीरो हो जाता है सारा क्योंकि ज़ाहिर है पिछले सवाल के ज़रा सो माइनस थ्री हमने एक्स की जगह लिख लिया माइनस थ्री का स्केयर नाइन नाइन और फोर थर्टीन और इधर भी ये नाइन नाइन में से सेवन गया माइनस टू और थर्टीन ने जाकर डिवाइड कर देना है तो सी की वैल्यू आ गई अब हमने उसी तरह कंपेयर करना है एक्स स्केयर उसके कोएफिशिएंट्स को तो एक्सकेयर देखें यहाँ नहीं है ज़ीरो यहाँ है तो ये ए आ गया यहाँ है तो उसका सी आ गया तो ए प्लस सी इज़ इक्ल टू ज़ीरो तो ये हमारी इक्वेशन बन गई C की वैल्यू हमने फाइंड कर ली हुई है वो लिख दें और उठा के दूसरी तरफ ले जाए नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी तो A की वैल्यू मिल गई टू ओवर थर्टीन बिल्कुल इसी तरह जब आप x को कंपेयर करेंगे तो ये अमाउंट बनेगी और यहाँ A की वैल्यू आप लिखें और इसको उठा के उधर ले जाए उधर जाके इसने माइनस होना है थ्री टू ज़ार सिक्स हो गया नीचे थर्टीन अब वही बात थर्टीन से ये मल्टीप्लाई होता है एलसीएम का तरीका है ना थर्टीन थ्री इजार थर्टी नाइन थर्टी नाइन में से ये छः माइनस करें तो थर्टी थ्री थर्टी थ्री ओवर थर्टीन हमारा बी बनेगा बी आ गया थर्टी थ्री ओवर थर्टीन चूंकि सारी वैल्यूज आ गई हैं तो वो आप ए बी सी की वैल्यूज पुट करा दें अब अगेन चूँकि ओवर में है सारा तो है भी एक जैसा थर्टीन 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 तो इनको हम नीचे ले जाएंगे टू एक्स प्लस थर्टी थ्री ओवर थर्टीन इन टू ये और फिर ये नेगेटिव साइन भी लगा लिया टू लिखा थर्टीन इसके साथ और एक्स प्लस थ्री तो इस तरह से करके ये आंसर भी डन हो गया लो जी क्वेश्चन नंबर फोर है और अगेन सेम पार्ट है उसी तरह ही करना है एक्स केयर प्लस फिफ्टीन है नीचे ये दो हैं ये क्वाड्रेटिक ये लीनियर क्वाड्रेटिक के लिए आपके सामने ए एक्स प्लस बी लीनियर के लिए वही सिंगल एक ही सी लिख लेते हैं आगे वही ये नीचे से ख़त्म हो गया एक्स प्लस बी के साथ ये सी के साथ ये ये देखें हमने उसको लिख लिया आगे फिर वही ए को अलहदा करें एक्स जो है इससे मल्टीप्लाई एक्स और एक्स एक्स का स्केयर एक्स वन ज़ार एक्स बी के साथ एक्स माइनस वन ये माइनस वन है मेरे से गलती हो गई थी ज़ाहिर माइनस है तो माइनस ही होना चाहिए मैंने प्लस लिख दिया था x से मल्टीप्लाई करवा के हमने a को अलहदा कर दिया b से हमने उसको अलहदा कर दिया c से ये अलहदा हो गया ठीक है जी प्रॉपर शेप बन गई अब उसी तरह ये जो x माइनस वन है ये वाला उसको हमने इक्वल टू जीरो रखना है और वहाँ से x की वैल्यू वन ले लेनी है और डेफ़िनेटली इसने c वाले पार्ट में ही आना है क्योंकि x माइनस वन इधर भी है और इधर भी मौजूद है तो इसलिए c वाले पार्ट में ही सिर्फ उसने लगना है तो वह हमने वो वैल्यूज लगा लेनी है और इसे हल कर लेना पंद्रह और एक सोलह यहाँ से पाँच और दो सात और एक आठ जैसे आम रूटीन में हल करते हैं तो सी की वैल्यू हमें टू मिल जाएगी अब आगे काम वही है कंपेयर करना है कंपेयरिंग कोफिशेंट्स ऑफ एक्सकेयर ठीक है जी तो वो आपके पास ये अमाउंट बन जाएगी C की वैल्यू आप टू लगाएं टू उधर जाके माइनस होगा और ये हमारे पास A की वैल्यू माइनस वन मिल जाएगी इसी तरह हमने अब कांस्टेंट्स को कंपेयर करवाना है ये भी मैं एक दफ़ा दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कांस्टेंट को भी कंपेयर करा सकते हैं जो x के बग़ैर है यहाँ देखें पंद्रह है यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे है तो माइनस बी आएगा और यहाँ से ये प्लस फाइव सी आना है पंद्रह इज इक्वल टू माइनस बी प्लस फाइव सी ये हमारे पास वो इक्वेशन जो है वो बनेगी सो so, देखें ये बन गया 15 इज इक्ल टू दिस वन और यहाँ पे भी वही सी की वैल्यू आप लगाएं फाइव टू जर टेन टेन ने जाके उधर माइनस होना है और ये बी की वैल्यू आपके पास माइनस फाइव आ जाएगी और वही वैल्यूज आपने पुट करा लेनी है ए बी और सी की जगह पर पे, यहाँ पर पे चूंकि ओवर में नहीं थी रकमें तो ए की दफ़ा में जब वैल्यू पुट कराई है तो वो आ गया माइनस एक्स है और माइनस फाइव है तो ये आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर फाइव को देखें बिल्कुल वैसे ही होना है एक्स स्र है नीचे दो रकमें हैं इसी तरह ए एक्स प्लस बी ओवर दिस एंड सी ओवर दिस फिर ये नीचे से ख़त्म हुआ एक्स प्लस बी के साथ ये अमाउंट आ गई और सी के साथ एक्स स्केयर प्लस फोर आ गया उसी तरह ए को अकेला करें एक्स से मल्टीप्लाई करवा दें ठीक है एक्स और एक्स एक्स स्केयर और एक्स और टू टू एक्स बी जो है वो ऐसे अलहदा और सी के साथ अलहदा अलहदा हो गए यहाँ क्या लेट करना है x प्लस टू इक्वल टू जीरो तो वहाँ से x की वैल्यू हमें टू मिल गई माइनस टू सॉरी तो वो वैल्यू हम लगाएंगे और अगेन देखें हर दफ़ा सी में ही लग रहा है क्योंकि पिछले पार्ट में तो निकालते हैं उसे तो वैल्यूज लगाएं और यहाँ से देखें सी सॉल्व किया तो वन ओवर टू फिर हमने एक्स केयर के क्वेफिशेंट्स को कंपेयर करवाना है वो ये आ गया सी की वैल्यू लगाई जाके माइनस कराया तो वन ओवर टू कंपेयरिंग कर रहे हैं कोफिशंट्स ऑफ एक्स एक्स के कोफिशेंट्स को भी कंपेयर कर लें वो ये बनता है ए की वैल्यू पुट करें तो बी का आंसर माइनस वन आ गया अब ये वैल्यूज आप लगा दें तो ये चूंकि ओवर में है साथ तो जाहिर है ऐसे लिख लें उसे लेकिन इसका एलसीएम टाइप ले लें ये दो नीचे लेके जाना है हमने तो इसका तो वन एक्स आ जाएगा लेकिन इसके पास टू नहीं था तो वो टू वन जैसे एलसीएम होता है टू वन जर टू तो यहाँ टू बन जाएगा और ये तो है ही सिंगल रकम है तो हाल ही ओवर में ही टू उसने चले जाना है तो यहाँ ज़रा ध्यान रखना है कि जब ये टू नीचे ले कर जाएंगे तो इसको भी दे के उसने टू फिर नीचे जाना है एल्सीय टाइप जैसे लेते हैं अगर आप ये देखें वन ओवर टू माइनस वन है ना तो जब आप इसका एल्म लेते हैं तो टू आता है ना एल्सीयम लेकिन इसका अपना वन ये ऐसे ही लेकिन यहाँ पे टू वन ज़ार टू हो जाता है तो ये टू देखें ये ये हमारा ये बना है। तो इस तरह से करके वो चीज़ बनती है चलें जी क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं बिल्कुल वैसा ही होना है लेकिन यहाँ जो नीचे टर्म है उसके फैक्टर पहले बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये क्यूब की फॉर्म में है तो एक्स का क्यूब प्लस वन तो जाहिर है क्यूब का फार्मूला है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब वन का भी तो क्यूब बनाया जा सकता है वन की जो मर्जी पावर ले रहता तो वो वन ही है तो इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख के तो क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर तो ये हम फार्मूला उस तरह से करके लिखते हैं ठीक है तो ये नीचे बन गई टर्न अब देखें वही बात ये आ गई ना क्वाड्रेटिक और ये लीनियर तो आगे से काम वही है सारा जो पीछे करते आ रहे हैं इसके लिए ओवर ये और इसके लिए जाहिर है बी एक्स प्लस सी इसको अगर शुरू में लिखें तो फिर वो शुरू में ए एक्स प्लस बी होता है ना तो अगर आप इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सवाल सही रहता है ठीक है तो बार ये शेप बन गई आगे से वही है इधर से ये नीचा ख़त्म हो गया ये वाली ऊपर वाली अमाउंट रह गई ए के साथ ये सारी अमाउंट आ गई और ये सारी अमाउंट बी एक्स प्लस सी के पास चली गई और यहाँ फिर वही बी और सी को सेपरेट करवाना है बी को किया साथ एक्स है एक्स और एक्स एक्स के एक्स वन जार एक्स सी के साथ ये सारा वैसे ही तो ये प्रॉपर शेप बन गई इसकी अब फिर वही कि क्या हम लेट कर सकते हैं एक्स प्लस वन उसको ज़ीरो रखें तो एक्स की वैल्यू माइनस वन अब ये पुट कर आएंगे तो देखें कहाँ होगा एक्स प्लस वन से लिया है ना ये वैल्यू तो एक्स प्लस वन यहाँ है इस वाले सारे पार्ट में नहीं लग सकती सिर्फ ए में लग सकती है तो ए वाले पार्ट में हम एक्स की वैल्यू माइनस वन ये माइनस वन लगा रहे हैं ठीक है यहाँ जगह नहीं थी तो वो जरा छोटा सा माइनस नज़र आएगा आपको माइनस वन का स्केयर है यहाँ पे भी माइनस वन का स्केयर है और यहाँ जब माइनस आएगा एक्स का तो उसके पीछे खुद भी माइनस है तो दो माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे तो ये एक दो तीन थ्री ए और ये एक और एक दो हो जाएगा और थ्री ने जाकर उसे डिवाइड कराना है तो ए की वैल्यू टू ओवर थ्री आगे वही है कंपेयरिंग क्विशेंट ऑफ एक्स स्केयर एक्स स्केयर यहाँ से वन यहाँ से ए यहाँ से बी वन इजिकल टू ए प्लस बी और ए चूँकि निकल चुका है तो ए की वैल्यू हम लगा के और बी का आंसर हम निकाल लेंगे ये आपके सामने हो गया टू ओवर थ्री है उसको जाके उधर ले जाएं माइनस होगा माइनस होके वन ओवर थ्री सही हो गया इसी तरह कांस्टेंट्स को हमने कंपेयर किया है वन इज इक्वल टू ए प्लस सी आया है ए की वैल्यू फिर लगाई माइनस कराया ये भी वही आंसर आ गया जो बी का आया है सो so, वैल्यूज हमने लगा देनी है टू ओवर थ्री वन ओवर थ्री वन ओवर थ्री सबका ओवर में थ्री है तो बड़े आराम से सबका थ्री जो है वो नीचे ले जाए तो ये हाल इधर टू रह गया उसका वन वन है तो वन वन लिख लिया तो ये आंसर बन गया लो जी क्वेश्चन नंबर सेवन है थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ एक और उसने एक्स्ट्रा रकम हमें दे दी है एक्स स्यर प्लस थ्री है एक्स प्लस वन है और एक्स माइनस वन है ठीक है ना तो जब इसको हमने करना है तो पहले तो ये है ना तो उसका तो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है ये भी लीनियर है तो सी ओवर दिस वन ये भी लीनियर है तो डी ओवर दिस वन अब डी भी आ गया हमारे पास तो हल उसी तरह से ही करना है अगेन ओवर को ख़त्म कराना है अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखना है ये तो ख़त्म हो गया अब देखें ए एक्स प्लस बी के पास अपना क्या है एक्स केयर प्लस थ्री ये दोनों नहीं है तो जो नहीं होते वो उसके साथ आ जाते हैं ये देखें वो साथ लिख दिए C के अपना क्या है x प्लस वन तो ये दोनों नहीं है तो वो दोनों उसके साथ लिख दें D के साथ अपना जो है उसके अलावा जो दो हैं वो आने हैं उसके साथ वो लिख दिए तो ऐसे करके लिख लें उसे और अभी बाकी चीज़ें तो है सीधी थी लेकिन यहाँ पे हमें ए को और बी को लदा लदा करना है जैसे पिछले सवालों में करते हैं तो ए को लिखें और ए का जो एक्स है ना उसको किसी एक से दिला दें बस जो ये जो शुरू में ही एक्स प्लस वन आ रहा है ना इस एक्स से इन्हीं को जरूरत दिलाएं एक्स और एक्स एक्स का स्केयर एंड एक्स वन जार एक्स ये देखें ये लिखा साथ ये एक्स माइनस वन वैसे ही बी अब जो जगह मैं छोड़ दी थी, थी, थी इसकी तो यहाँ बी ने भी तो आना है तो बी के साथ ये दोनों आप देखें बी के साथ वो दोनों आने हैं फिर सी वैसे ही डी वैसे ही उनको ना छेड़े अब आम रूटीन में हम ये करते हैं कि इन सबको को जरबें देते हैं आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं लेकिन आप ये देखें कि मल्टीप्लाई करके सवाल बहुत लेंथी हो जाना है तो हमने मैंने तो इसको यहीं रखा है मैं आपको आगे से समझा दूंगा कि कैसे करना है आपने सो बहरहाल आपने लेट करना है वही x प्लस वन इक्वल टू तो ज़ीरो एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये भी लेट करना है आपको दो वैल्यूज़ तो कम से कम लेट करने से मिल जाएंगी और वही ध्यान रखना है कि जिस रकम में से हम वो वैल्यू ले रहे हैं ना एक्स की उसको उसी वाले में पुट नहीं कराना अब देखें ये जो वैल्यू है देखें पहले मैं इसको रख रहा हूं एक्स माइनस वन को इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू वन आ गई अब जहां जहां माइनस वन है ना एक्स माइनस वन उधर नहीं है पुट होना तो देखें एक्स माइनस वन यहाँ था एक्स माइनस यहाँ था डी वाले में नहीं है एक्स माइनस वन तो देखें हम ये डी वाले के अंदर पुट करा रहे हैं उधर तो जाहिर है इस साइड पर तो होनी होनी है ना पुट ठीक है तो वो वन हम उसमें लगाते हैं और ये सारा हल करते हैं तो डी की वैल्यू आ जाएगी अब जो दूसरा लैट करने वाला है एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो रखें एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गई अब वहाँ पुट करना जहाँ एक्स प्लस वन ना हो तो एक्स प्लस वन इधर है इधर नहीं है इधर है तो सी वाले में नहीं है तो सी वाले में पुट होगा और ज़ाहिर है इधर ये जो इस साइड पे चीज़ है उस उधर पुट होना है ठीक है तो ये हम उसको वैल्यू हम लिखेंगे माइनस वन जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस वन लिख देंगे ये भी सॉल्व होगा माइनस वन माइनस वन माइनस टू वन का स्केयर वन होता है वन और थ्री फोर एंड सो वन जैसे आप करते हैं तो ये आम सिंपल मल्टीप्लिकेशन है एट ने जाकर डिवाइड कराना है तो c की वैल्यू भी मिल गई अब पुट कराने से d और c ये दो वैल्यूज हमें मिल गई है। हैं बाकी रह गए हैं a और b अब उसके लिए जाहिर है कंपैरिजन तो कंपैरिजन हमेशा सबसे बड़ी x की जो टर्म होती है उसका किया जाता है सो एक्स स्केयर हाँ तीन पावर आ सकती है ये देखें इधर तो हैर एक्स स्यर हमें मिल रहा है बड़ा लेकिन यहाँ देखें जब एक्स स्केयर एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो क्यूब आ जाता है ना तीन पावर तो इसका मतलब सबसे बड़ी एक्स की पावर तीन है तो एक्स क्यूब के कोफिशेंट्स को हमने कंपेयर कराना है इधर से तो ज़ीरो आएगा यहाँ ए आएगा क्योंकि एक्स स्यर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब आना है ना तो ए आ गया ठीक है उसका कोफिशियंट ही लेना है ना यहाँ से भी जब एक्स और इसने मल्टीप्लाई होना है तो ये भी क्यूब होगा ये भी सी आएगा इधर देखें एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो तो एक्स का स्केयर बनता है क्यूब नहीं बनता तो ए और सी आएगा और यहां से भी डी आता है क्योंकि ये देखें एक्स स्केयर और एक्स है तो यहां से भी क्यूब बनता है तो ए प्लस सी प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो ये देखें ये दे, वही लिखा ना मैंने ए प्लस सी प्लस डी इज़ इक्ल टू जीरो तो ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान रख के कर लेना है सी और डी की वैल्यूज़ हैं वो हमने लगा ली पाँच में से एक चार चार बटा आठ एक बटा दो होता है उधर जा माइनस ये जाहिर है आम रूटीन का केस है और दूसरा जो कंपेयर करवाना है ना एक्स पे ना आ जाए या एक्स केयर पे ना आ जाए क्यूब कर लिया ना तो कांस्टेंट पे चले जाए क्योंकि कांस्टेंट को भी यहां से ढूंढना आसान होता है अब देखें ये कांस्टेंट आपको मिल गया ठीक है यहां से भी देखें ए वाले में कांस्टेंट हम नहीं आने क्योंकि देखें ये माइनस वन तो है लेकिन ये अगर अकेला होता ना फिर सही था ये एक्स केयर और एक्स ने मल्टीप्लाई होना है उससे तो जब ये मल्टीप्लाई होएंगे तो वन को तो ख़त्म करा देंगे एक्स केयर वन जार एक्स केयर एक्स वन जार एक्स तो वन खत्म हो जाता है तो ए नहीं आ सकता क्योंकि कांस्टेंट यहाँ नहीं है बी पे आएंगे ना तो देखें प्लस वन और माइनस वन जब है जब मल्टीप्लाई होना है मल्टीप्लाई क्यों होते हैं ब्रैकटें लगी हुई हैं ठीक है तो वन और प्लस वन माइनस वन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस वन आएगा तो माइनस बी हमें कॉन्सटेंट मिल सकती है यहाँ से इसी तरह यहाँ थ्री वन जार थ्री तो यहाँ से भी हमें माइनस थ्री मिलता है माइनस थ्री सी वो यहाँ से मिलेगा और इसी तरह थ्री वन जर थ्री थ्री डी हमें यहाँ से मिलेगा तो टू इज़ इक्ल टू माइनस वन बी एंड थ्री सी एंड थ्री डी वो देखें ये हमारा कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करने से मिलेगा ठीक है ये थोड़ा सा ध्यान रखें फिर क्योंकि आप वो मल्टीप्लाई करवाने से बच जाते हैं इस इधर वरना फिर ज़ाहिर है मल्टीप्लीकेशन तो फिर करनी पड़ेगी अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती फिर सारा मल्टीप्लाई इस तरह का वैसे मैंने आगे किया है जिसमें मल्टीप्लाई करते हैं आपको वो तरीका भी समझ आ जाएगा सो बहरहाल तो ये जब लिख लिया है तो जो वैल्यूज हमारे पास पहले से हैं d की वैल्यू और वो जो माइनस बी है तो माइनस बी इधर जाके प्लस पर बी और ये टू उधर ले जाए तो माइनस का टू तो इन सब का आप एल्सीयम ले सकते हैं तो एल्सीय ले तो आपके सामने ये प्रोसेस होकर आंसर आ जाएगा वन ओवर फोर ठीक है जी तो तीनों चारों वैल्यूज आ गई तो आप जस्ट वैल्यूज़ पुट करानी है पुट आपने कहाँ करानी है आपको पता है इन जगहों पे ए बी सी डी इनकी वैल्यूज यहाँ यहाँ पुट करा के आंसर दे देंगे तो देखिए हम लिख रहे हैं यूजिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी तो उन सब की अपनी अपनी जगह पे बस अब ये ध्यान रख लेना है ओवर में इसका सेम नहीं है टू है और वो फोर है तो बड़ी रकम जो होती है वही एलसीएम होता है वही नीचे आएगा फोर नीचे आएगा लेकिन फिर ज़ाहिर है फोर की वजह से यहाँ इधर टू आ जाना है क्योंकि अगेन आप एल्सीय अगर ज़ुबानी समझ ना आए तो एल्सीयम ले लिया करें वन ओवर टू और वन ओवर फोर इसका जब आप एल्सीयम लेंगे तो फोर आया ना तो टू टू आर फोर एंड टू वन आर टू तो देखें इधर इसका टू आता है उसका वन नहीं आता है सो देखें इसका हमने इसलिए टू लिखा है ठीक है वो एल्सीयम ले के आप कर लिया करें और ये जो कि सिंगल रकम या सिंगल रकमों का तो इशू ही कोई नहीं होता ना ओवर में वही एट चला गया वही एट ओवर में चला गया तो ये इस फिर सवाल आपका आंसर बन जाता है चलन जी क्वेश्चन नंबर एट करते हैं और एट में अगर आप देखें तो वन ओवर एक्स माइनस वन का स्केयर है ये वो रकम है जो रिपीट हो रही है है तो लीनियर फॉर्म लेकिन रिपीट हो रही है इस तरह के सवाल हमने पिछली एक्सरसाइज में किए थे फाइव पॉइंट टू के अंदर तो बहर उसने ये वो केस यहाँ पे भी दे दिया और साथ ही जो ओरिजिनल इस एक्सरसाइज का अपना केस है वो तो है ही कि एक्स स्केयर प्लस टू ठीक है क्वाड्रेटिक फॉर्म तो उसके लिए जो करते हैं वो आपके सामने है अब इसको करना किस तरह से है ओवर ये अंदर वाली अमाउंट यही हम पिछली एक्सरसाइज में करते थे प्लस बी ओवर फिर वो स्केयर ठीक है ऐसे करके और फिर ज़ाहिर है कि ये अमाउंट आनी है तो सी एक्स प्लस डी ओवर दिस वन तो ये लिख लिया हमने अब उसी तरह इस ओवर को हमने ख़त्म कराना है वन लिख लिया ए का अपना एक्स माइनस वन है तो फिर ये जो एक्स स्केयर प्लस टू है वो आएगा और ये जो एक्स देखे ना एक्स माइनस वन का स्केयर है हमारे पास सिर्फ एक है तो एक टर्म है तो एक रह जाती है ना तो वो भी आएगी बी के साथ ये सारी अमाउंट है ना तो ये अमाउंट चली गई तो ये रह गई वो उसके साथ आ जाएगी ठीक है फिर सी एक्स प्लस डी के पास ये चीज़ है ठीक है तो ये क्या है ये वाली ये वाली अमाउंट तो फिर ये रह गई ये सारी अमाउंट आएगी सी एक्स प्लस डी के साथ वो हमने इसको लिख लिया आप देखें इसको ज़रा सीधा कर लें अब यहाँ आई थिंक मुझे मेरे ख्याल में मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा तो एक दफ़ा इसको तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ फिर बी वाला पार्ट भी ऐसे ही है यहाँ से सी और डी को अहदा करना था तो सी का एक्स इसके साथ एक्स इंटू ये अमाउंट और डी के साथ ही ये अमाउंट अलहदा अब इनको ज़रा पावर्स इनकी खोल के इनकी मल्टीप्लिकेशन है वो सारा हम प्रोसेस यहाँ करा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लेट कराने के लिए सिर्फ़ एक ही रकम है एक्स माइनस वन इज़ इक्वल टू जीरो तो जब आप ये पुट करेंगे ना तो कोई एक सिंगल आंसर ही आना है दो आंसर्स नहीं मिलने वो रहे है टोटल अमाउंट कितनी चार चार फाइंड करनी है तो इसलिए हमें फिर ये ज़रा इसको मल्टीप्लाई क्योंकि ये कंपैरिजन में से वैल्यूज़ हमें लेनी पड़ेंगी तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ ज़रूरी है तो x के साथ ये मल्टीप्लाई होगा x और x x का क्यूब हो जाएगा x के साथ टू टू एक्स हो जाएगा एक्स स्केयर वन ज़्यादा एड जैसे आप मल्टीप्लाई करा करवाते हैं b वाला पार्ट तो नहीं होना क्योंकि वो तो पहले ही उसके साथ कोई और चीज़ मल्टीप्लाई तो हो नहीं रही इसने ऐसा ही रहना है c के साथ यहाँ दो काम होने हैं एक ही x माइनस वन का होल स्केयर को हमने खोलना है पहले ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी वाला फार्मूला लगा के साथ फिर अगले स्टेप में एक्स से ज़रा दिलाएँगे यहाँ फिर वही फार्मूला खुलना है ए स्केयर बी स्केयर माइनस टू ए बी वाला फार्मूला तो ये सारी चीज़ें हम अगले स्टेप में यहाँ देखें कर रहे हैं सो so ए के साथ वो चारों चीज़ें मल्टीप्लाई होके आ गई बी वैसे ही आ गया सी के साथ देखें एक्स लिखे अंदर उसका फार्मूला लगाया ये ए का स्केयर ये ये वन जो है ये बी का स्केयर है माइनस टू ए बी ठीक है यही चीज़ उधर डी के साथ भी आनी है तो ये लिख लिया अब अगले स्टेप में इनकी ज़रा तरतीब सीधी कर दें ए के साथ एक्स क्यूब पहले है फिर एक्स स्वर है फिर ये सिंगल एक्स वाली है फिर कॉन्सटेंट वाली है ऐसे प्रॉपर तरतीब लगाएं। बी के साथ उसको लिखें अब सी के साथ ये जो एक्स है अंदर मल्टीप्लाई होगा एक्स का क्यूब टू एक्स और सिंगल एक्स वो देखें आ गया इधर ये तो वैसे ही आना है अब ये प्रॉपर हमारी शेप बन गई है अब वो एक जो लेट करना है वो तो हम करवा ही सकते हैं ना तो वो लेट करें एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन अब ये कहाँ पुट होना है ये ओरिजिनल तो सवाल में देख लें एक्स माइनस वन से चले हैं ना तो देखें एक्स माइनस वन कहाँ नहीं है इधर है इधर भी है तो बी वाले पार्ट में एक्स माइनस वन नहीं है तो बी वाले पार्ट के अंदर उसने पुट होना है सो ये देखें बी वाले पार्ट के अंदर हम उसको वन को पुट करा रहे हैं सो वन और टू थ्री हो गया थ्री ने जाकर डिवाइड किया बी की वैल्यू वन ओवर थ्री आ गई अब देखें अब चूंकि हमें कंपेरिजन चाहिए हैं तो मैं तीनों चीज़ों के कंपेयर करवाया एक्स क्यूब के भी कोफिशेंट कंपेयर कर लिए हैं वो ये लिख लिए एक्स केयर को भी गौर से देखें क्या क्या चीज़ें आती हैं अभी मैंने आपको पीछे तरीके समझा दी हैं दोबारा नहीं अब बता रहा और फिर एक्स का जो है उसका भी कंपेयर कर लें ये आपके पास तीन इक्वेशनें बन जाएंगी ठीक है तीन काफ़ी हैं क्योंकि इसमें ए बी सी डी सारे आ गए हैं ठीक है चौथा भी वैसे आ सकता है कांस्टेंट टर्म्स को भी आप कंपेयर करवा सकते हैं अगर वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको भी यूज़ कर लें वरना अगर इन्हीं तीनों से हो जाता है सवाल तो बस ठीक है अब देखें ये जो पहली इक्वेशन है हमारे पास जिसको इक्वेशन टू का नाम दिया हुआ है ए प्लस सी इज़ इक्ल टू जीरो तो यहाँ से अगर आप सी उधर ले जाएं तो ए क्या होगा माइनस सी के इक्वल तो ए इज़ इक्ल टू माइनस सी ये देखें हमने उसको लिख लिया ए इज़ इक्वल टू माइनस सी अब इसको आप ये जो थर्ड वाली है या फोर वाली है उसमें पुट करा सकते हैं हम पहले थर्ड वाले में कराते हैं क्या करना है ए की जगह हमने माइनस सी लिख देना है सो ये देखें ए की जगह हम माइनस सी लिख रहे हैं माइनस ए था ना तो माइनस बाहर उसका और ये सी वो जो ए की वैल्यू खुद माइनस सी है वो लिख लिया प्लस बी इन वो सारा आगे से लिख लें अब ये जो और बी की वैल्यू भी हम लगा सकते हैं बी तो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया हुआ है ठीक है और ये c और ये माइनस टू सी मिलकर माइनस सिंगल सी रह जाएगा d माइनस सी और ये अगर उधर चला जाए इक्वल टू माइनस वन ओवर थ्री तो इसी तरह इक्वेशन नंबर फोर में भी हमने a की वैल्यू लगानी है माइनस सी और इसको भी हमने सॉल्व करवा लेना है 2c और ये साथ c है c में से c माइनस हो के एक सिंगल c रह गया साथ ये 2d है दोनों माइनस के हैं साइन चेंज करवा दें खत्म करवा दें 2d डी प्लस सी अब देखें एक क्वेश्चन ये ऊपर है हमारे पास d- माइनस सी वाली इज इक्वल टू ये जो माइनस वन ओवर थ्री है और एक ही क्वेश्चन अब ये आई है दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो c और d निकाल सकते हैं ऊपर नीचे लिखा ये देखें दोनों कट जाते हैं टू डी और वन डी थ्री डी हो गया और इधर से ये माइनस वन ओवर थ्री और ये थ्री जब इधर जाएगा तो उसने जाहिर है डिवाइड करना है तो d की वैल्यू माइनस वन ओवर नाइन आ जाती है अब चूंकि हमारे पास ये एक इक्वेशन थी किसी एक इक्वेशन में पुट करा लें ठीक है ताकि d लगने से c फाइंड हो जाए सो टू इंटू ये d की वैल्यू लगाई साथ c है टू वन जै टू माइनस का है उधर जाके प्लस का हो गया तो सी की वैल्यू भी आ गई और ए जो है वो किसके बराबर है माइनस सी के तो फिर सी का जो आंसर आया है उसके आप नेगेटिव साइन दें तो वो ए बन जाएगा तो अब ये सारी चारों वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं ये हमने उनकी जगह पे लगा देनी है तो ये देखें वैल्यूज़ हमने लिख ली इसका ओवर में नाइन चला गया इसका भी थ्री ओवर में चला गया दोनों का ओवर में नाइन है वो नाइन नीचे आ गया टू एक्स माइनस वन वो लिख लिया तो इस तरह से ये आंसर डन हो जाता है क्वेश्चन नंबर नाइन देखें ज़रा जी इसमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और क्योंकि यहाँ देखें ऊपर भी वही पावर है जो नीचे पावर है इम प्रॉपर फ्रैक्शन इम प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ ऊपर पावर बड़ी होती है या बराबर होती है तो इम प्रॉपर को हमें प्रॉपर बनाना होता है किस तरह ऊपर वाली को अंदर रखें नीचे वाली से डिवाइड करवाएं अब इससे ये डिवाइड करवाना है तो देखें ये x की चार पावर है ये भी है चार पावर तो ये लेकिन यहाँ माइनस है तो अब माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाएं क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना दोनों सेम हो जाएंगे ठीक है और माइनस वन वन जार माइनस वन अब इनके साइन चेंज कराएं जाहिर है यही तरीका होता है ना डिवाइड कराने का तो ये दोनों कट गए तो ये हमारा प्लस वन आ गया और ऊपर ये है तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं कि ये जब इस रकम को हमने इससे डिवाइड कराया है तो ये जो माइनस वन है ये कंप्लीट नंबर है और ये रिमेंडर और ओवर में ये तो वन ओवर ये हम उसको लिख देते हैं अब ये माइनस वन हमारा एक साइड पे पड़ा रहेगा और इसके हमने फैक्टराइजेशन करवा के और इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो हमने बना लेनी है वन ओवर वन माइनस एक्स की पावर फोर अब एक्स की पावर फोर है ना तो आप पता है कि दो पावर अंदर और दो पावर बाहर रख सकते हैं वन का भी स्केयर लिख सकते हैं तो ये बन गया ना एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में फार्मूला बन रहा है ना ए माइनस बी एंड ए प्लस बी अब यही फार्मूला इस पर फिर लगेगा क्योंकि यहाँ पे फिर माइनस है दरमियान में और एक्स स्केयर है और ये भी व स्केयर बन सकता है तो इसको फिर हम करेंगे वन माइनस एक्स एंड वन प्लस एक्स और साथ ही ये वाली अमाउंट तो इस तरह से ये फैक्टर्स बन जाते हैं सो ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास सही हो गया अब इसके ऊपर आप पार्शल फ्रैक्शन शुरू करा दें ओवर ये b ओवर ये और ये सी एक्स प्लस डी ये जाहिर है आप इस तरह से करके लिख देंगे बाकी काम वही है इधर से ओवर खत्म करा दिया वन रह गया a का अपना है वन प्लस एक्स तो ये दोनों a के साथ आ जाएंगे b का अपना ये है तो ये दोनों b के साथ आने हैं सी एक्स प्लस डी के साथ ये दोनों आने हैं तो वो देखें यहाँ पे करके ये थोड़ा आगे चला गया तो ये यहाँ पे ऐसे करके उसको लिख दिया ठीक हो गया अब आगे वही है ए का वैसा ही रहने दें क्योंकि ए तो पहले ही अकेला है बी का भी वैसा ही रहने दें वो भी अकेला है लेकिन जाहिर है कि ये जो हम सी एक्स प्लस डी करते हैं तो इसका सी लैदा करना होता है डी लहदा तो सी का जो अपना एक्स है अब देखें दो चीज़ें अपना एक्स तो लिखा है लेकिन ये अगर आप गौर करें वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स इन पर फार्मूला बन सकता है ना क्योंकि ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिखते हैं तो वन का स्केयर वन और एक्स का स्केयर यानी इन दोनों की जगह पे वन माइनस एक्स स्यर लिख सकते हैं तो c के साथ x लिख के साथ इन दोनों का ये और d के साथ इन दोनों का वही वन माइनस एक्स स् केयर देखें हमने उसको लिख दिया अब देखें सेपरेट हो गए तो बस यहीं पे छोड़ दें जो मैंने आपको ट्रिक या तरीका बताया वह उस तरह से चले क्योंकि यहाँ से आपको पुट कराने से दो वैल्यूज़ मिलेंगी क्योंकि एक दफ़ा आपने ये इक्वल टू जीरो रखना है एक दफ़ा इसको जीरो के इक्वल रखना है सो देखें एक दफ़ा वन प्लस एक्स को जीरो रखा एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गई अब ये बस ध्यान रख लें कहाँ पुटो नहीं है सिर्फ ए वाले में पुटो हो रही है बाकी सब में जीरो हो जानी है जैसे मैं पीछे बताता आ रहा हूँ तो इसको हल करेंगे ए की वैल्यू वन व फोर आ गई दूसरा पार्ट जो है उसको जीरो लेट करना है तो वहाँ से वन आएगा एक्स की वैल्यू और वो भी ध्यान से देखें कहाँ पुट होना है बी वाले में तो बी वाले में अब लगाएंगे तो बी की वैल्यू वन ओवर फोर टू टू, टू जर फोर है उधर जाकर डिवाइड तो बी का आंसर भी हमें मिल जाता है वन ओवर फोर इसके बाद कंपेरिजन शुरू हो जाता है एक्स क्यूब को कंपेयर करना है एक दफ़ा फिर देख लें एक्स क्यूब इधर नहीं है ना तो जीरो यहाँ देखें एक्स ने और ये एक्स केयर ने मल्टीप्लाई होना है तो क्यूब हो जाना है मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ब्रैटें लगी हुई हैं तो क्यूब होगा लेकिन माइनस है साथ तो माइनस ए आ जाएगा इधर आए तो ये देखें मल्टीप्लाई होके क्यूब बन रहा है तो बी आ गया इधर से भी मल्टीप्लाई होके क्यूब बन रहा है माइनस सी आ गया और डी वाले में क्यूब नहीं है तीन पावर नहीं है तो वो हम देखें ये क्यूब के सारे क्वेफिशेंट्स ऐसे लिख लेंगे अब यहाँ वही बात है ए और बी हमें फाइंड किया हुआ है वो लिख दें वैल्यूज़ सी वैसे ही लिख दें और वैल्यू लगाने से नज़र आ रहा है कि ये दोनों तो कट गए हैं एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो फिर सी का आंसर हमें ज़ीरो मिल जाएगा बिल्कुल इसी तरह से कांस्टेंट्स को भी कंपेयर करा लें कांस्टेंट्स को कंपेयर कर लेंगे वहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ए बी डी एंड वन और यहाँ पे भी ए और बी की वैल्यूज़ हमने सब्टीट्यूट करवानी है वन ओवर फोर वन ओवर फोर टू ओवर फोर और टू ओवर फोर को उधर ले जाएँ तो माइनस का टू ओवर फोर और ये सब जाहिर है एलसीएम करके तो अल्टीमेट ये टू ओवर फोर ही आना है और उसको कटवाएँ तो वन ओवर टू तो सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई जब सारी वैल्यूज़ मिल गई तो फिर हमने क्या करना है सिर्फ सब्टिट्यूट ही करवाना है उनकी जगह वैल्यूज़ लगवानी है ये फोर फोर नीचे आ गया ये टू भी नीचे आ गया तो ऐसे करके ये आंसर बन जाता है लेकिन जाहिर है कि वो जो आंसर निकाला है वो जो एंड शुरू में हमने डिवाइड कराया था तकसीम उसके साथ उसको रखना है माइनस वन ने भी साथ आना है और फिर ये आंसर पूरा होना है तो क्वेश्चन नंबर टेन पे आ जाते हैं यहाँ पे देखें यहाँ पे एक्स केयर माइनस टू एक्स प्लस थ्री है नीचे एक्स फोर प्लस एक्स केयर प्लस वन है नीचे वाली जो टर्म है उसके फैक्टर नहीं बने हुए वैसे तो वो बड़ी रकम है नीचे जो कि ओके है डिवाइड नहीं करना पड़ेगा लेकिन नीचे फैक्टर नहीं है अब यहाँ हमें ज़बरदस्ती फैक्टर बनाने पड़ेंगे ये जो फ़ोर पावर है इसको दो पावर अंदर रखें दो पायर रखें तो ए स्केयर बन जाएगा यहाँ से ये जो वन है उसको आप बी स्केयर बना लें उसके ऊपर स्केयर लिख के तो ये ए स्केयर ये बी स्केयर साथ टू ए भी हम लिख सकते हैं टू फार्मूले का इंटू साथ ये वाली रकम और साथ ये वाली तो ये चूंकि हम खुद से लिख रहे हैं तो इसका अपोजिट भी फिर लिखना है प्लस वाला है तो माइनस वाला अपोजिट उसका कर लिया और साथ ये जो एक्स केयर था वो लिख लिया ठीक है ये चैप्टर नंबर फोर के अंदर हम इस तरह से फैक्टराइजेशन इनकी करते थे तो अब देखें ये ये फार्मूला डिवेलप हो गया ये तीनों चीज़ें ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स केयर प्लस वन का होल स्क्वायर ये बन गया साथ ये माइनस टू एक्स केयर और साथ ये वाला एक्सकेयर और जाहिर है कि ये दोनों सेम है आपस में सब हो जाएगी माइनस होंगे तो माइनस एक्स स्केयर माइनस टू प्लस वन माइनस वन और नीचे अब यहाँ देखें आप इसको ऐसे रख के ऐसे करके तो ये फार्मूला फिर बना सकते हैं ए का स्केयर माइनस ये बी का स्केयर तो इसको फिर आप ज़ाहिर है एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे तो अब देखें ये दो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बन गए हैं तो इनको लेके हम आगे से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं सात तरतीब लगा लें एक्स को दरमियान में रखें वन को आगे ज़रा प्रॉपर तरतीब होनी चाहिए तो देखें ये अब हमारे पास ये वाली शेप है तो अब इसके साथ ये जो टर्म है इसको ए एक्स प्लस बी और इसके साथ सी एक्स प्लस डी क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो एक्स और सी एक्स जो है इस तरह से हमने इसको लिखना है बाकी काम वही है ओवर वाले को ख़त्म करा दें ए एक्स प्लस बी के साथ ये सारी अमाउंट आ जाएगी और सी एक्स प्लस डी के साथ ये वाली अमाउंट ने आ जाना है वो लिख लिया अब वही बात है कि इनको सेपरेट करवाएं क्योंकि ए बी सी डी है ना तो सबका अलहदा अलहदा होना चाहिए ए को लिखा साथ ये एक्स है एक्स से ये तीनों मल्टीप्लाई हो के ये आ जाएंगे बी के साथ वैसे ही लिख दिया सी के साथ भी ऐसे ही तो सी को भी अकेला करेंगे सी के साथ एक्स है एक्स से भी उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे डी के साथ उसी तरह अलहदा उसको लिख लिया अब ये सारी शक्लें बन गई हैं अब यहाँ देखें सारा हमें कंपेरिजन ही करवाना है कोई चीज़ हम पुट नहीं करवा सकते क्योंकि ये हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है दोनों वैल्यूज़ को हैं तो यहाँ से वैल्यूज़ तो आ नहीं सकते तो फिर हमें कंपेरिजन का ही सहारा लेना है यहाँ कंपेरिजन के अलावा कुछ होना ही नहीं है तो हमने सारी चीज़ों एक्स क्यूब का एक्स स्यर का एक्स का फिर कांस्टेंट का सब का कंपैरिजन करा लेना है आपके सामने रकम है आप खुद भी देख सकते हैं तो ये कंपैरिजन करके ये चार है हमारे पास आ जाती हैं अब इनको हल करने के लिए इनकी वैल्यूज़ लेने के लिए थोड़ी सी ट्रिक्स को हमें यूज़ करना पड़ेगा देखें जो पहली इक्वेशन है वो क्या कह रही है ए और सी का जो मजमू है ए प्लस सी वो सीरो के इक्वल है तो ए प्लस सी कहाँ है इधर तो ए माइनस सी है ना इस वाले में देखें ए प्लस सी बन रहा है तो इस इक्वेशन में ए प्लस सी की जगह पे हम जीरो पुट करा सकते हैं तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे बाकी रह जाएगा बी माइनस डी इज इक्वल टू माइनस टू वो देखें हमने ये लिखा है ठीक है ए प्लस सी की जगह जीरो बाकी बी माइनस डी इज इक्वल टू माइनस टू यूजिंग इक्वेशन वन इन इक्वेशन थ्री इनका हमने जो नाम रखा हुआ है अब देखें ये आ गया और ये जो चौथी इक्वेशन है यहाँ से देखें तो आप डी को अगर उधर ले जाएं तो बी बराबर होगा थ्री माइनस डी के डी ने उधर जाके माइनस होना है ना ये देखें मैंने लिखा है बी इज इक्ल टू थ्री माइनस डी ये क्यों लिखा है इसलिए कि इस बी की जगह पर हम ये थ्री माइनस डी लिख सकते हैं उसके लिखने से क्या होगा ये देखें जब लिखा है तो अब पूरी इक्वेशन सिर्फ डी की फॉर्म में ही है तो अब यहाँ से डी का आंसर निकल सकता है थ्री ने उधर जाना है माइनस का होना है तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव ये दोनों माइनस का टू डी माइनस माइनस कट गया फाइव ओवर टू तो डी की वैल्यू आ गई फाइव ओवर टू अब जब डी की वैल्यू आ गई है तो डी हम यहाँ सब्सिट्यूट करवाएंगे तो यहाँ डी की वैल्यू फाइव ओवर टू रखेंगे थ्री में से माइनस कराएंगे तो बी का आंसर भी आ जाएगा सो देखें ये हमने वो वैल्यू लगाई दोनों को सब्ट्रैक्ट किया थ्री सिक्स छः में से पाँच निकालें एक वन ओवर टू बी वैल्यून ओवर टू आ जाती है अब जो हमारी पहली इक्वेशन है वहाँ था ना ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो सी को उधर ले जाएं तो ए किसके बराबर है माइनस सी के ए माइनस सी के बराबर है अब इक्वेशन नंबर टू को सामने रखें तो यहाँ पे ए था ठीक है तो हम ए की जगह पर अब माइनस सी लगा रहे हैं बाकी सारी वही चीज़ें इक्वल टू वन लेकिन अब ये वैल्यूज हैं हमारे पास एक तो ये C और C मिलकर टू सी हो जाना है B की वैल्यू भी है D की वैल्यू भी है और इधर वन है सो so C फाइंड करना है सी माइनस का है इसको उधर ले जाए पॉजिटिव ये वन इधर आ जाएगा पाँच और एक ये छः छः को दो पर डिवाइड करें तीन तीन में से वो वाला वन माइनस टू आया टू ने इस टू से डिवाइड कराना है C की वैल्यू वन आ जाएगी तो जब C आ गया वन तो A जो है वो माइनस सी के बराबर है तो यहाँ वन लग जाएगा तो A की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी वो लिख ली और फिर आपने वैल्यूज पुट करवानी है और फिर ज़ाहिर है कि ये ओवर के में टू और ये ओवर में टू नीचे ले आएंगे। यहाँ नीचे आएगा तो फिर इधर भी टू आना है जैसे पीछे एक दफ़ा बताया था और ये टू नीचे आएगा तो फिर इधर भी टू आएगा तो फिर अल्टीमेटली ऐसे करके आंसर आना है अब यहाँ इस आंसर में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना बुक के पीछे आंसर और है ये मैंने खुद किया था तो मुझे लगा पता नहीं कहाँ पर गलती हुई है चेक करता रहा कोई गलती नज़र नहीं आई तो फिर मैंने ऑनलाइन कोई नोट्स वगैरह देखे तो नोट्सों के अंदर भी ऐसे ही हल हुआ हुआ है की बुक के अंदर भी ऐसे ही हल हुआ हुआ है तो ये फिर सही है क्योंकि जाहिर है कि ये सब तो नहीं गलत करेंगे ना तो ये गलती इसमें कोई नहीं है ये बिल्कुल ओके है बुक में आंसर पीछे गलत है तो ये आपने ध्यान रख लेना है ठीक है जी बच्चों फिर एक्सरसाइज डन हो गई ओके फिर अल्लाह हाफिज़